हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी एंड स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला, क्योंकि आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपको कुछ ऐसा फोटो एडिटिंग दिखाने वाला हूँ। वो भी दोस्तों आपको मैं बताऊँगा किस टाइप से ऐसा फोटो गाइज बनाया जाता है, क्योंकि आप मेरे नॉर्मल से फोटो को देख ही सकते हो। मैंने दोस्तों इसको कुछ इस टाइप का दोस्तों एडिट किया, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा जो है लाजवाब लग रहा है। तो आप भी इस टाइप का फोटो दोस्तों बना सकते हो, वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसानी से। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा फोटो आखिर में बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप मेरे फोटो को तो देख ही सकते हो, तो आपको क्या कहना है कि फोटो को डायरेक्ट लेकर चलना है लाइट रूम के अंदर। तो जो कि मैं आपको बताऊंगा लाइट रूम के अंदर क्या करेंगे कि हमारा फेस जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वगैरह आ जाएगा और बैकग्राउंड दोस्तों ब्लैक होगा गाइज। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसा कि मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मेरा फोटो हो गया गाइज, इस पर मैं अपने प्रीसेट को यूज करूँगा, जो कि एक ही क्लिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देगा प्रीसेट मेरा, क्योंकि ये मेरा प्रीसेट है, आप देख ही सकते हो प्रीसेट को। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपको भी ये प्रीसेट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसका लिंक डाला है। तो दोस्तों उसको अपने फोटो पर जो है कॉपी करके पेस्ट कर देना है, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस टाइप से आपको पेस्ट करेंगे तो आपका फोटो कुछ एक ही बार में इतना ज़्यादा गोरा दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप फोटो को तो देख ही सकते हो, फोटो कितना ज़्यादा दोस्तों लाजवाब लग रहा है। तो दोस्तों इतना काम आपको कर लेना है और आपको यहाँ से शेयर करना है दोस्तों स्नैपशीट के अंदर। वहाँ पर अपने फेस पर जहाँ भी अंधेरा होगा वहाँ पर आपको लाइट दे देना है, तो आपका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अंधेरा रहता है तो कहीं ब्लैक एंड वाइट दोस्तों हो जाता है फोटो, तो वैसा दोस्तों नहीं है। ये आप करोगे तो क्या होगा कि आपका फोटो एक ही बार में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी से गोरा हो जाएगा और दोस्तों लाइट भी एकदम अच्छे से मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, मैं आपको लाइट मिला के दिखा दे रहा हूँ किस टाइप से लाइट मिलाया जाता है और आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा उससे। तो जहाँ जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करके और ब्राइटनेस को कुछ हाई कर देना है, कुछ इतना पर आपको हाई कर देना है। ये आप देख ही सकते हो किस टाइप से मैं कर रहा हूँ, जो कि फोटो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अंधेरा है तो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर भी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। इस टाइप से आपको भी कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंधेरा है तो यहाँ पर भी मैं सेम टू सेम ऐसे ही ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, और कुछ इतना पर दोस्तों हमको उसको रख देना है दोस्तों। और अपने कानों के पास भी इस टाइप से आपको कर देना है, सिचुएशन को थोड़ा सा लो कर देंगे तब हमारा फोटो जो है पहले से हार्ड लगेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्लीन लगेगा और काफ़ी ज़्यादा लाइट भी फेस पर लगेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी कर लेना है, जो कि आप यहाँ पर देख सको मैं इतना काम यहाँ पर कर चुका हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। इतना तो आपको काम करना है, कानों के नीचे का काफ़ी सारे जो बंदे लोग छोड़ देते हैं तो यहाँ पर भी आपको लाइट दे देना है जैसे कि आपके अपने फेस पर दिए हो गाइज। तो इतना काम आपको कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दिया गाइज। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि फ़ोटो को इसको हमको इस वाले फ़ोटो को जो है सेव कर लेना है गाइज। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ दोस्तों। काफ़ी सारे बंदे का यह कहना है कि दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा हेयर है, आप यहाँ पर हेयर को देख सकते हो, ये हेयर को दोस्तों कैसे बड़ा करेंगे गाइज, जो कि मैंने आपको फोटो में करके दिखाया है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एडोब फोटोशॉप फिक्स डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। उसमें दोस्तों अपने फ़ोटो का जो आपको लेकर जाना है, जैसा कि ये मेरा फ़ोटो हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा फोटो गया। तो यहाँ पर आपको इस वाले पे जाना है और यहाँ पे वार्प वाले पे क्लिक करके और यहाँ से अपने साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो अपने फोटो पर जूम कर लेना और अपने हेयर से ऐसे ऊपर में खींचना है गाइज। यहाँ पर आपको बड़ा हेयर करके दिखा दे रहा हूँ, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ गाइज, और ऐसे ऐसे दोस्तों हेयर को खींच देता हूँ, जो कि ऊपर खींचेंगे तो हेयर बड़ा होगा। तो ऐसे दोस्तों आपको भी क्या करना है कि कर लेना है। यहाँ पर देख ही सकते हो हेयर कितना ज़्यादा जो है बड़ा हो रहा है गाइज, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। और आपका हेयर एकदम, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा गाइज कि ये हेयर बनाया गया है दोस्तों, आप यहाँ पर पूरा रियलिटी लगेगा हेयर, जो कि ये वाला ट्रिक से दोस्तों हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दोस्तों एडिट होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है गाइज। आप जितना चाहो उतना तान सकते हो, जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फोटो पहले से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इतना दोस्तों करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको खींच देता हूँ, जो कि इधर खींचूंगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरा फ़ोटो। आप यहाँ पर देख ही सकते हो फोटो कितना ज़्यादा गाइज अच्छा लग रहा है हेयर को बड़ा करने के बाद। तो ये दोस्तों ये वाला ट्रिक आपको ट्राई करना चाहिए। इतना करने के बाद मैं फ़ोटो को क्या करता हूँ कि यहाँ से सेव कर लेता हूँ, गैलरी पर कर दूँगा, फ़ोटो हमारा गैलरी में आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो पिकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमको अपने फ़ोटो को जो है सेलेक्ट करना है।
तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से कलर किया जाता है, जो कि आपको ब्लैक करना होगा गाइज या फिर कोई भी कलर करना होगा गाइज। तो आप यहाँ पर से इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे और कलर पे चल जाएंगे, कलर रिप्लेस पर जाके अपने जिस पर बैकग्राउंड है जिस कलर का उस टाइप का करके आपको कोई भी कलर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैं किस टाइप से कलर आपको दिखा रहा हूँ, जो कलर आपको अच्छा लगेगा वो कलर आप कर सकते हो यहाँ से। तो मैं इसको ब्लैक बनाया तो मैं ग्रीन ही रहने देता हूँ गाइज, यहाँ पर कुछ करना भी नहीं है गाइज, इतना काम आपको करना है और ऐसे फोटो को क्या करना है कि सेव कर लेना है। अब दोस्तों अगर आपके फ़ोन में रिमनी हो तो आप रिमनी का यूज कर लीजिएगा, जो कि आपका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो मैं आपको रिमनी करके डायरेक्ट दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा क्वालिटी हार्ड होता है, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। और रिमनी यूज करने से पहले आपको टूलविज यूज़ करना है, जो कि अपने हेयर पर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप टूलविज का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि आपको बताऊँगा ऑल पेंटिंग कैसे मारते हैं अपने हेयर पर। तो ये मेरा फोटो हो गया गाइज, आप यहाँ पर फोटो को देख सकते हो, इफेक्ट पे जाना है, सॉफ्ट स्मूथ पे जाना है, यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर 6 नंबर करता हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कितना ज़्यादा हेयर आपका अच्छा लगता है, तो आपको उतना कर देना, मास्क पर क्लिक करके क्लीन पर कर देना। अब दोस्तों अपने हेयर पर आपको ऐसे लगा देना है गाइज, चूँकि आपको मैंने दिखा किस टाइप से मैंने लगाया, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है पूरे हेयर पर लगा देना है जितना आपको ऑयल पेंटिंग चाहिए, जिससे आपका किस जो है बाल मुलायम होगा और काफ़ी ज़्यादा जो है आपका बाल अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही दोस्तों अपने बालों पर लगा लेना है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैं कितना अच्छे तरीके से लगा दिया गाइज, इतना काम आपको कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से सही कर देना है और इसको सेव करना है, तो सेव पर क्लिक करके यहाँ से जो है कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, इस पर हम सेव कर देंगे तो फोटो आ जाएगा गैलरी में। दोस्तों रिमनी का यूज आप कर लीजिएगा, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों रिमनी यूज करने के बाद फोटो की क्वालिटी कुछ इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो फोटो की क्वालिटी कितना ज़्यादा जो है हार्ड हो चुका है। तो ऐसे ही आपको भी रिमनी का यूज़ करना है, जो कि अपने बालों पर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बाल भी हो चुका है, जो कि मेरा फोटो कुछ इस टाइप का दोस्तों था, कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है गाइज। तो रिमनी यूज करने के बाद क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इतना करने के बाद आपको फोटो को स्मूथ करना है, तो आपको डायरेक्ट लेकर चलना है ऑटोडेस्क के अंदर और आपको ऑटोडेस्क जो है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा ब्रश लेना है, वो दोस्तों काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता है कौन सा ब्रश लेते हैं स्मूथ करने के, तो आपको ये वाला ब्रश चूज करना है और सेटिंग आपको कुछ इतना पर कर देना है। अब दोस्तों फेस पर करना है जूम और साइज को कर लेना है लगभग 50 या 60 दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ऐसे करके आपको स्मूथ करना है, जो कि कितना था हार्ड स्मूथ हो रहा है गाइज, आप यहाँ पर देख ही सकते हो, मैं एकदम आराम आराम से आपको स्मूथ करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा अच्छा जो लग रहा है स्मूथ करने के बाद। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी कर लेना है अपने फोटो पर स्मूथ। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इस टाइप से आपको स्मूथ करना है गाइज, यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है रगड़ देते हैं तो फोटो ख़राब हो जाते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा जो है नहीं रगड़ना है, इस तरह आपको करना है। और इस तरह दोस्तों यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ आपको, ऐसे दोस्तों आपको स्मूथ कर लेना है, तब आपको फोटो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइज आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर दोस्तों एकदम अच्छे से आपको बचा बचा कर, जो कि ये यहाँ पर जो ब्लैक है उसको छोड़ देना है आपको, और जो आपको बस फेस से एकदम सिंपल से उसको आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पर साइज कुछ इतना पर छोटा करके तब आपको यहाँ पर करना है, साइज को छोटा या बड़ा करके आपको उसके हिसाब से करना है। अब दोस्तों नाक को करने के लिए यहाँ पर पहले नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, इसको इतना आपको कर लेना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको सीधे सीधे करना है ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ऐसे करना है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तब आपका नाक जो एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसको करना है, तो इसको मैं कुछ ऐसे मिला देता हूँ, जो कि एकदम जल्दी जल्दी दोस्तों तेज़ी से मैं मिला देता हूँ इसको, इतना काम आपका जो है हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि आप देख सकते हो कानों को करेंगे, तो इसको मैं इस टाइप से करता हूँ, सेटिंग को आप थोड़ा सा साइज को छोटा कर लीजिएगा, और ऐसे ऐसे दोस्तों आपको भी लगा देना है, जो कि आपका फेस स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और गर्दन को करने के लिए दोस्तों साइज को फिर से वहीं कर लेंगे, जो कि हमारा 50 या 60 जितना था पहले, उतना पर करके अपने गर्दन को कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है अपने गर्दन को दोस्तों, ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सारे बंदे जो है गलत कर देते हैं, तो फोटो उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट लगने लगता है गाइज, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर हाथों को दोस्तों थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे ही रगड़ देता हूँ। अब दोस्तों ओठों को थोड़ा सा लाल कर लेते हैं, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस कर देंगे, और हमको यहाँ पर लाइब्रेरी में जाके ये वाला ब्रश जो है हमको ले लेना है, और दोस्तों यहाँ पर इस पर दोस्तों लाल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जूम करके अपने ओठों पर ऐसे लगा देंगे गाइज, यहाँ पर आप देख ही सकते हो
और इसका ऑफसेटिंग जो कम करेंगे तो ये और ज़्यादा धुंधला लगेगा और काफ़ी तक कम लाइट लगेगा, क्योंकि कलर भी कम हो जाएगा। गाइस आप यहाँ पर देख ही सकते हो, इतना काम आपको कर लेना है दोस्तों। अब इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो फोटो हमारा सेव हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको लाइट एडजस्ट करके दिखाऊंगा लाइट रूम के अंदर। तो चलिए फोटो को लेकर चलते हैं सीधे लाइट रूम के अंदर। तो गैलरी ओपन हो चुका है, फोटो हमारा आ चुका है यहाँ पर, ये मेरा फोटो आ चुका है। तो इसको मैं लेकर चलता हूँ लाइट रूम के अंदर। और दोस्तों लाइट रूम को आपको क्या करना है कि ओपन कर देना है, जो कि ये हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है, आप फोटो को देख ही सकते हो। तो गाइज हमको सबसे पहले तो इसको ब्लैक करना है, गाइज बैकग्राउंड ब्लैक करना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो गाइज आपको लाइट वाले पे कुछ एडजस्ट करना वगैरह इस टाइप से। गाइज आपको कुछ इधर उधर करके थोड़ा थोड़ा आपको लाइट वगैरह मिला लेना, जो कि जैसा कि मैं मिला रहा हूँ यहाँ पर इस टाइप से दोस्तों आपको कर देना। दोस्तों इस बार कलर पे जाएंगे, इसको मैं कुछ इतना पर हाई कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको मिक्स पे जाना है और पहले इसको थोड़ा सा हाई करेंगे एंड इसको दोस्तों आपको जितना वाइट करना हो उतना वाइट आप कर सकते हो, आपकी मर्जी जितना वाइट पर आप रखना चाहते हो। तो ये सेचुरेशन को कम करेंगे तो वाइट होगा फेस, एंड दोस्तों लुमिनस को बढ़ाएंगे तो फेस पर लाइट आएगी। अब दोस्तों आपको येलो वाले पर जाके इसको पूरा माइनस कर देना है एंड दोस्तों ग्रीन वाले को पूरा माइनस कर देना है, इतना पर आपको कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लैक एंड वाइट जो सॉरी ब्लैक फोटो है वो बन के तैयार हो गया गाइस। अब दोस्तों यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना गाइस, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो इसको मैं डन करता हूँ और दोस्तों इफेक्ट पे जाता हूँ, क्लैरिटी को कुछ इतना ज़्यादा हाई करता हूँ 10 कर देता हूँ। दोस्तों इसको मैं कुछ इतना ज़्यादा लो करता हूँ गाइस, आपको ये जितना चाहे उतना आप लो कर सकते हो, इससे आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब दोस्तों हमारा फोटो जो है बन के रेडी हो चुका है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो मेरे फोटो को। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।